हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। हमारी आज की फिल्म है सेंट्रल इंटेलिजेंस। यह कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसका वजन होता है 300 किलो। कॉलेज के दूसरे लड़के हमेशा उसे बुली किया करते थे, पर बाद में वही लड़का कैसे एक CIA एजेंट बनता है और देश की रक्षा करता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें 20 साल पहले का समय दिखाया जाता है। कॉलेज के बाथरूम में एक मोटा सा लड़का नहा रहा होता है, तभी वहाँ पर कॉलेज के और बच्चे आ जाते हैं। वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लड़के का नाम रॉबी बियर्डिक होता है। दूसरी तरफ हमें कॉलेज का ऑडिटोरियम दिखाया जाता है, जहां पर एनुअल फंक्शन हो रहा था, जहां पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जिसे मिल रहा होता है उसका नाम होता है केल्विन द गोल्डन जेट। केल्विन कॉलेज का सबसे फेमस और सबसे अच्छा एथलीट होता है। उसकी बैक फ्लिप पूरे कॉलेज में सबसे फेमस होती है। केल्विन यहां पर कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मैगी जॉनसन को प्रपोज भी करता है। वो अपनी स्पीच दे ही रहा होता है, इसी बीच कॉलेज के वही लड़के रॉबी बियर्डिक को नंगा करके सबके सामने फेंक देते हैं। रॉबी बहुत शर्मिंदा हो रहा होता है। केल्विन तुरंत अपनी जैकेट उतार कर रॉबी को दे देता है। रॉबी केल्विन की जैकेट से अपने आप को कवर करके वहाँ से निकल जाता है। कहानी प्रेजेंट डे पर आती है, जहाँ पर केल्विन एक अकाउंटेंट की जॉब करता होता है। केल्विन का कोवर्कर उसके पास आता है। वो उसे बताता है कि जो आदमी तुम्हारा जूनियर था उसे प्रमोशन मिल गया है और अब वो तुम्हारा बॉस बन चुका है। केल्विन को इस बात से बहुत दुख होता है। केल्विन अपनी वाइफ के साथ एक होटल में आया होता है, वहीं पर उसका जूनियर अपने प्रमोशन की पार्टी भी दे रहा होता है। केल्विन अपनी वाइफ से बोलता है, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, मैं कॉलेज में इतना फेमस था, मुझे लगा था कि मैं लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करूंगा। उसकी वाइफ उसे शांत करती है और बताती है कि कल हमारा कॉलेज का रियूनियन है, पर केल्विन उसमें जाने से साफ साफ मना कर देता है। केल्विन अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसे बॉब स्टोन नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। केल्विन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी बॉब उसे मैसेज करने लगता है और उसे बताता है कि मैं रॉबी बियर्डिक हूँ। वो उसे शाम को मिलने के लिए बार में बुलाता है, जिसके लिए केल्विन भी मान जाता है। केल्विन बार में पहुँचता है, तब रॉबी को देखकर केल्विन एकदम हैरान हो जाता है कि इतना मोटा लड़का आज इतना फिट हो चुका है। तभी रॉबी ड्रिंक लेने के लिए जाता है और एक दूसरा आदमी रॉबी की चेयर लेके जा रहा होता है। जब केल्विन उसे रोकता है, तब वो केल्विन के साथ बदतमीजी करने लगता है। उसी वक्त रॉबी वहाँ पर आ जाता है। रॉबी उसकी और उसके दोस्तों की धुलाई कर देता है, जिसे देखकर केल्विन भी बहुत खुश होता है। फिर रॉबी उसे बाइक पर बैठाकर दोनों लोग केल्विन के घर आ जाते हैं। रॉबी यहाँ पर केल्विन से हेल्प मांगता है। वो उसे बताता है कि मैं कुछ दिनों से प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, वो भी मेरे सैलरी अकाउंट को लेके, और मामला कुछ इंटरनेशनल अकाउंट्स का है जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। केल्विन उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। केल्विन जब अपने लैपटॉप से उस वेबसाइट को हैक करता है, तब वो कहता है कि ये तो कोई ऑक्शन वेबसाइट लग रही है, जहां पर बोलियां लग रही हैं। अभी रॉबी से गलती से बियर की बोतल लैपटॉप पर गिर जाती है, जिस वजह से केल्विन का लैपटॉप भी खराब हो जाता है। रॉबी उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि क्या आज रात मैं यहां रुक सकता हूं, जिसके लिए केल्विन मान जाता है। रॉबी वहीं पर सो जाता है। सुबह केल्विन के डोर पे कोई नॉक करता है, तो वहां पर CIA के एजेंट्स आए होते हैं, जो उससे रॉबी के बारे में पूछते हैं। केल्विन कहता है कि वो अंदर ही सो रहा है, पर एजेंट्स जब आकर चेक करते हैं तो रॉबी वहां से भाग चुका होता है। केल्विन एजेंट से रॉबी के बारे में पूछता है, तब एजेंट बताती हैं कि आपका दोस्त खून और चोरी के इल्जाम में वांटेड है, उसके पास हमारे देश के कुछ सीक्रेट्स हैं जिसे वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहता है। एजेंट केल्विन को लेकर उसी के ऑफिस में गई होती हैं। उनका शक होता है कि रॉबी वहां पर केल्विन से मिलने आ सकता है। केल्विन जब अपने ऑफिस में बैठा होता है, अभी उसे वहां पर रॉबी फोन करता है और बताता है कि मैं तुम्हारे ही ऑफिस में 2 फ्लोर नीचे सीढ़ियों पर हूँ। ये कॉल एजेंट ने भी सुना होता है। तब वो रॉबी को पकड़ने के लिए निकल जाती हैं और केल्विन से कहती हैं कि तुम यहीं पर रुको। केल्विन जब वापस अपने ऑफिस के अंदर आता है, तब रॉबी उसके ऑफिस में ही होता है और वो गेट के पीछे छुपा होता है। रॉबी उसे बताता है कि मैं CIA में काम करता हूँ। तभी केल्विन ऑफिस से बाहर निकल के चिल्लाने लगता है कि रॉबी अंदर है। रॉबी आकर केल्विन को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें होस्टेज होने की एक्टिंग करनी होगी। CIA एजेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। रॉबी यहाँ पर कई एजेंट्स के साथ फाइट करता है और वो केल्विन को एक टोकरी में बैठा के भाग रहा होता है। अभी सारे एजेंट्स उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। तभी रॉबी केल्विन को लेकर शीशा तोड़ते हुए ऊपर से ही छलांग लगा देता है। नीचे एक हवा भरा हुआ बहुत बड़ा गुड्डा रखा हुआ था। वो दोनों लोग उसी के ऊपर गिरते हैं और वहाँ से ऊबर लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में रॉबी केल्विन से बताता है कि देश का दुश्मन जिसका नाम ब्लैक बैजर है, उसने USA के स्पाई डिपार्टमेंट के कुछ एनक्रिप्शन कोड चुरा लिए हैं, जिसे वो
इंटरनेशनल मार्केट में नीलामी के जरिए बेचना चाहता है। कल मैंने जो वेबसाइट खुलवाई थी वो वही नीलामी की वेबसाइट थी। वो कहता है कि अगर कोड्स बिक गए तो हमारा देश बहुत बड़े संकट में आ जाएगा। वो उसे कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कि मुझे एक बार पता लग जाए कि नीलामी कहाँ हो रही है, तब ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। केल्विन उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता, मेरी एक वाइफ है और मेरे वजह से वो भी प्रॉब्लम में आ सकती है। केल्विन कहता है कि एजेंट ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तब रॉबी कहता है कि वो एजेंट तो मुझे मेरे ही पार्टनर के खून के जुर्म में फंसाना चाहती है। फिर रॉबी केल्विन को बताता है कि जब ब्लैक बैजर इंक्रिप्शन कोड चुरा कर गायब हो गया था, तब मुझे और मेरे पार्टनर फिल को उसके बारे में पता चल गया था। हम लोग उसे गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन वहाँ पर ब्लैक बैजर नहीं था, उसने हमारे लिए एक जाल बिछाया था। जब मेरा दोस्त लिफ्ट के अंदर फंस गया था, तब उसमें एक बॉम्ब लगा हुआ था और वो उसी के अंदर ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से मेरे पार्टनर की मृत्यु हो गई। रॉबी उसे सारी बात बता ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक आदमी बंदूक लेकर उन दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगता है। रॉबी उससे फाइट करने लगता है और केल्विन उसकी बाइक उठाकर यहाँ से भाग जाता है। केल्विन अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझसे डॉक्टर डैन के ऑफिस में आकर मिलो। उसी वक्त एजेंट अपनी कार लेकर वहाँ आ जाती है और उसे एक डिवाइस दे देती है। उससे कहती है कि जब तुम बॉब से मिलोगे तब इस डिवाइस को एक्टिवेट कर देना और हमें तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा। केल्विन डॉक्टर डैन के ऑफिस में पहुंचता है और डॉक्टर की जगह रॉबी बियर्डी ही होता है। रॉबी केल्विन से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। केल्विन डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस बात से परेशान होकर उसकी वाइफ यहाँ से निकल जाती है। तब केल्विन अपने हाथ से एजेंट का दिया हुआ GPS डिवाइस निकाल लेता है और रॉबी से पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास कोई सैटेलाइट कोड है या नहीं, जिसके लिए रॉबी कहता है कि मेरे पास कोई कोड्स नहीं है। रॉबी कहता है कि तुम मुझे नीलामी जीतने वाले का बैंक अकाउंट नंबर बताओ, उससे मुझे उस जगह का लोकेशन पता लग जाएगा, फिर हम ब्लैक बैजर को गिरफ्तार कर लेंगे। तब केल्विन रॉबी को लेकर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आता है। वहाँ पर केल्विन कहता है कि हमें उस ऑफिसर को सिर्फ विदेशी अकाउंट नंबर देना है और वो हमें बैंक अकाउंट नंबर निकाल कर दे देगा। रॉबी केल्विन से पूछता है कौन है वो एक्सपर्ट। केल्विन बताता है कि वो ट्रेवर है। ट्रेवर वही होता है जिसने रॉबी को नंगा करके सबके सामने फेंक दिया था। रॉबी उसका नाम सुनके घबराने लगता है। ट्रेवर अकाउंट नंबर तो निकाल देता है, फिर वो रॉबी का मजाक उड़ाने लगता है। रॉबी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता है, वो खड़ा होकर घबराने लगता है और रॉबी यहाँ से सर झुकाकर निकल जाता है। केल्विन भी अकाउंट नंबर लेकर रॉबी के पास जा रहा होता है। तभी केल्विन को एजेंट का फोन आता है। वो उससे कहती है कि आप अभी अपनी और बॉब की लोकेशन हमें बताओ, वरना हम आपकी वाइफ को गिरफ्तार कर लेंगे। मजबूरी में आकर केल्विन उन्हें अपनी लोकेशन बता देता है। केल्विन बॉब के पास आता है, तभी यहाँ पर सारे एजेंट्स आकर दोनों को घेर लेते हैं और रॉबी को गिरफ्तार कर लेते हैं। एजेंट रॉबी के साथ इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। वो उससे पूछती है कि सैटेलाइट कोड्स कहाँ है, पर रॉबी को तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता और ये सब केल्विन भी देख रहा होता है। फिर एजेंट बाहर आ जाती है और वो कहती है कि टॉर्चर करने का सामान लेकर आओ। केल्विन कहता है कि आप किसे टॉर्चर करने वाली हैं। तब एजेंट कहती है कि अगर तुम नहीं देख सकते तो यहाँ से चले जाओ, और वो लोग केल्विन को एक दूसरे कमरे में डाल देते हैं। एजेंट रॉबी को टॉर्चर करने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज केल्विन को यहाँ तक आ रही होती है। केल्विन को बहुत पछतावा हो रहा होता है। केल्विन अंदर से दरवाजा खटखटाता है और गेट के पास एक केला रख देता है। एजेंट जैसे ही केला देखने के लिए झुकते हैं, वो उन पर कुर्सी से वार कर देता है। केल्विन बाकी एजेंट्स को गन पॉइंट पर लेता है और उनका कार्ड लेकर टॉर्चर रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो रॉबी को आजाद करवाता है और दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर रॉबी बाकी सारे एजेंट्स की धुलाई करते हुए बाहर आ जाता है और यहाँ से एक कार लेकर दोनों निकल जाते हैं। कार के अंदर रॉबी केल्विन को एक बैग देता है और कहता है कि इसके अंदर एक GPS डिवाइस है। वो कहता है कि वो कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं था, बल्कि लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड था। वो तुम इस डिवाइस में डालोगे और हमें उस लोकेशन के बारे में पता लग जाएगा। जब केल्विन कोड्स डालता है, तब उन्हें बोस्टन की लोकेशन मिलती है, जिस पर रॉबी कहता है कि हमें एक प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तब रॉबी केल्विन के साथ एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर आया होता है। यहाँ पर रॉबी केल्विन से कहता है कि तुम सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करो और मैं एरोप्लेन चुरा कर लाता हूँ। फिर अंदर जाकर केल्विन सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहुत उल्टी सीधी बकवास करने लग जाता है। वो उसको पकाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर भी एरोप्लेन को बाहर ले आता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड केल्विन को एक सांप दिखाता है, जिसे देखकर वो डर के यहाँ से भाग जाता है। दोनों वहाँ पर एरोप्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। बोस्टन में एक पार्क में आकर वो लोग खड़े
खड़े हो जाते हैं। तभी केल्विन को यहाँ एक पार्किंग दिखती है। वो कहता है कि डील वहाँ पर होने वाली है। तब रॉबी केल्विन से कहता है कि मैं वहाँ पर जाता हूँ और तुम यहीं पर रुको। रॉबी अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे इंटरनेशनल माफिया वाले लोग मिलते हैं और केल्विन यहाँ बाहर खड़ा होता है। केल्विन यहाँ पर एजेंट हैरिस को पार्किंग के अंदर जाते हुए देखता है और उसे लगता है कि यही ब्लैक बैजर है। वो ये बात बताने के लिए बॉब को कॉल करता है पर उसका फोन नहीं लगता। केल्विन वहाँ पर खुद जाता है और बॉब से कहता है कि हैरिस ही ब्लैक बैजर है। तभी वो देखता है कि यहाँ पर सारे इंटरनेशनल माफिया के लोग खड़े होते हैं। तब रॉबी उनसे कहता है कि ये मेरा पार्टनर है। ये कहकर रॉबी केल्विन को गोली मार देता है जिससे केल्विन बेहोश हो जाता है। रॉबी माफिया वालों को एक पेन ड्राइव दे रहा होता है और कहता है कि इसी के अंदर कोड्स हैं। तभी यहाँ पर रॉबी का पुराना पार्टनर जो लिफ्ट में मर गया था वो यहाँ पर आता है और कहता है कि मैं ब्लैक बैजर हूँ और एक पेन ड्राइव निकाल कर दिखाता है और कहता है कि इसमें है सीक्रेट कोड्स। रॉबी उसे देखकर हैरान होता है। फिर रॉबी माफिया वालों से कहता है कि मैं ब्लैक बैजर हूँ। केल्विन को होश आ जाता है और वो भी ये बात सुन लेता है। तभी एजेंट यहाँ पर अपनी टीम के साथ आ जाती है। वो सब पर फायरिंग करने लगती है और केल्विन देखता है कि जमीन पर दोनों पेन ड्राइव गिरे हुए हैं। यहाँ पर फायरिंग चल रही होती है और फायरिंग के बीच में केल्विन आता है और दोनों पेन ड्राइव लेकर यहाँ से निकल जाता है। केल्विन पेन ड्राइव लेकर भाग रहा होता है और उसके पीछे इंटरनेशनल माफिया डॉन कार लेकर पड़ा होता है। वो उसे मारने ही वाला था कि रॉबी अपनी कार से माफिया डॉन की कार को टक्कर मारता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन केल्विन रॉबी को देखता है तब वो उसे ही गलत आदमी समझने लगता है और वहां से डरकर भागने लगता है। भागते भागते वो एक पुल पर आ जाता है। रॉबी भी यहाँ पर उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी ब्लैक बैजर भी यहाँ पर बंदूक लेकर आ जाता है। दोनों लोग केल्विन से कह रहे होते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। केल्विन उन दोनों की तरफ देख ही रहा होता है कि दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करने लग जाते हैं। तब रॉबी ब्लैक बैजर के ऊपर हमला कर देता है। ब्लैक बैजर की बंदूक नीचे गिर जाती है जिसे केल्विन उठा लेता है। केल्विन बंदूक लेकर सोच रहा होता है कि मैं किसके ऊपर फायरिंग करूं, लेकिन तभी उससे गोली चल जाती है और गोली रॉबी के पिछवाड़े पर लगती है। ब्लैक बैजर हमला करके रॉबी को बेहोश कर देता है। ब्लैक बैजर केल्विन से बंदूक मांग रहा होता है। तब केल्विन कहता है कि मैंने उसे गोली मारी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, और वो उस पर फायरिंग करता है। तब उसमें गोलियां ही खत्म हो गई होती हैं। केल्विन बंदूक फेंकता है जिसे ब्लैक बैजर पकड़ लेता है। ब्लैक बैजर उसमें गोलियां लोड करता है और केल्विन से बताता है कि मैं हूँ असली ब्लैक बैजर। वो कहता है कि मैंने अपनी मौत का ड्रामा खुद किया था। मैंने अपनी जैकेट में बॉम्ब लगा दिया था और खुद लिफ्ट के ऊपर वाले रास्ते से मैं वहां से बाहर निकल गया था। तभी केल्विन यहां पर एक बैक फ्लिप मारता है जिसमें वो गिर जाता है। ब्लैक बैजर उसे हैरान होकर देख ही रहा होता है कि तभी रॉबी वहां पर उठ जाता है और रॉबी ब्लैक बैजर की गर्दन तोड़ देता है और उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। तब रॉबी कहता है कि चलो जल्दी से एजेंट हैरिस को एनक्रिप्शन कोड दे देते हैं और कॉलेज रीयूनियन के लिए निकलते हैं। तब दोनों लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर कॉलेज के अंदर एंट्री लेते हैं। अभी यहाँ पर केल्विन की वाइफ आ जाती है। अपनी वाइफ से बताता है कि ये रॉबी वियरडिक है, वही कॉलेज का मोटा लड़का, और अब ये एक CIA एजेंट है। कॉलेज के अंदर टीचर यहाँ पर होमकमिंग किंग और क्वीन के नाम अनाउंस करने जा रही होती हैं। जब वो किंग का नाम लेती हैं तब वहाँ पर बॉब स्टोन का नाम होता है। बॉब स्टेज पर जाने लगता है। तब केल्विन की वाइफ पूछती है कि बॉब किंग कैसे बन गया। तब केल्विन उसे बताता है कि मैंने कॉलेज की वेबसाइट को हैक किया और उसमें बॉब का नाम डाल दिया। बॉब जब स्टेज की तरफ जाने लगता है तब ट्रेवर फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है और इस बार बॉब ड्राइवर को एक मुक्का मारता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। बॉब स्टेज पर पहुंचकर स्पीच देने लगता है। वो कहता है कि आज से 20 साल पहले आप सबने मुझे नंगा और शर्मिंदा देखा था, पर मुझे आज किसी भी बात का अफसोस नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है। ये सब कहने के बाद बॉब अपने सारे कपड़े उतार देता है। वो केल्विन के पास आता है और कहता है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत बड़े बोझ से आजाद हो गया हूँ। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसे बॉब कॉलेज में पसंद करता होता है। वो बॉब से बात करने लगती है जिस बात से खुश होकर बॉब उसे किस करने लग जाता है, और वो भी अब बॉब को पसंद करने लगी थी। सभी लोग मिलकर डांस करने लगते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि केल्विन की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है और केल्विन CIA के इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है और उसे लेने बॉब आया होता है, और बॉब यहाँ पर केल्विन की पुरानी जैकेट भी लेकर आया होता है और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।